आज हम जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अब देखिए, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पीरियड पे जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी वो सब हम पढ़ेंगे। वैसे तो हमें काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंडर पढ़ना है, बट एक हल्का सा इंडेक्स फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ेंगे, बहुत कुछ इसके अलावा भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपका अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस एंड मैनी मोर, राइट। तो आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डायरेक्टली याद करनी है चीज़ें, ठीक है, कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं। और नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, इस टॉपिक को स्किप करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। एंड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। फर्स्ट पॉइंट आता है द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर ऑफ अ यूरोपियन। यूरोपियन कौन थे? जो यूरोप से इंडिया में आए, यहाँ पे आकर बस गए। उन्होंने आए तो व्यापार के मकसद से थे, फिर यहाँ पर उन्होंने एम्पायर अपना क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो यूरोपियन मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स भी उनमें से एक थे, मेनली हम ब्रिटिशर्स का ही यहाँ पे जिक्र पढ़ते हैं, इंडिया में ब्रिटिशर्स का ही रोल रहा सारा, ठीक है। तो पहला पॉलिटिकल स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे जो मर्डर हुआ किसी यूरोपियन का, वो था 1897 में पूना महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किया गया? चापेकर ब्रदर्स के द्वारा किया गया, और उनके नाम क्या थे? दामोदर एंड बालकिशन। तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर यूरोपियन का कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, चापेकर ब्रदर्स कौन कौन है? दो चार आपको ऑप्शंस होंगे, दो दो नाम होंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उनका जो टारगेट था वो थे मिस्टर रेन, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द प्लेग कमीशन। प्लेग कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर रंड, वो उनका टारगेट थे, बट उन्होंने गलती से किसी और को मार दिया। ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, सेम सेम दूर से दिखाई दे रहे थे, तो गलती से लेफ्टिनेंट अरेस्ट क्यों उन्होंने गोली मार दी थी। टारगेट उनका कौन था, गोली किसको लगी? चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण, 1897 पूना। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। आगे चलते हैं, अलीपुर केस के बारे में पढ़ते हैं कि अलीपुर केस क्या था, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये और आपको पता होना चाहिए, हम बिल्कुल सीक्वेंस में यहाँ से चलेंगे, जैसे कि 1897 हो गया, फिर 1908 हो गया, इस तरह से। थोड़ा सा पेज एडजस्ट करती हूँ फिर आगे चलते हैं। यस, हम बात कर रहे थे अलीपुर केस के बारे में, जो कि 1908 में हुआ था। इसमें हुआ क्या, इसके अंदर खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की, तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं, बोथ थ्रू अ बॉम्ब ऑन कैरियज ऑफ किंग फोर्ड एंड अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरपुर लेटर हैंग्ड। हुआ क्या था, 1908 में अलीपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने किंग फोर्ड, जो कि एक बहुत ही अनपॉपुलर समझते हैं, बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं था, ऐसा एक जज था मुजफ्फरपुर का, तो उसके जो कैरियज है, मतलब पहले गाड़ियां चलती थी ना वो पहियों वाली, तो उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया, इनकी डेथ हो गई। बाद में खुदीराम बोस को फांसी दी गई, ठीक है। तो अब किंग फोर्ड है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, अलीपुर केस, 1908, लेटर हैंग्ड, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हैं सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, कोई बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है इनमें पढ़ने के लिए, बट आपको याद करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, बहुत ही फॉरगॉटन टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं डायरेक्टली, ठीक है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस की बात करें तो रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सन्याल, ये दो आपने नाम याद रखने हैं, इन्होंने बॉम्ब फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पे दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस आरएस, अलीपुर केस केपी, कैसे मर्जी याद करो, ठीक है। मैंने तो बहुत देसी ट्रिक्स बनाई थी तो यहाँ पे शेयर नहीं की जा सकती थी, अदरवाइज मैं शेयर करती है। वॉइस रॉयस के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, अपने खुद से बनाई हुई, तो मैं करूँगी वो चीज़ शेयर, बट ये आप थोड़ा सा खुद से देख लें कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। अलीपुर केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा रेवोल्यूशनरीज मीटिंग। 1924 में जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, उनकी बहुत बड़े स्तर पे मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, फाइन। जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनकी मीटिंग 1924 में हुई कानपुर यूपी में, 1924 कानपुर, याद रखिए। इसमें कुछ ओल्ड रेवोल्यूशनरीज का मतलब है जो काफ़ी एक्सपीरियंस थे और थोड़े एज्ड थे, जैसे कि सचिंद्र नाथ सन्याल हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, लिस्ट बहुत लंबी है, बट सबका नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा है,
एंड सम यंग रेवोल्यूशनरीज, कुछ जो जवां खून था, जो नए क्रांतिकारी थे, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह, सुखदेव हो गए, ये भी जो है उस मीटिंग में आए थे. नाउ दे सेटअप अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए इसके बाद और भी थोड़ा है इसके बारे में पढ़ने के लिए, वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. बट याद रखना है 1924 जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनकी मीटिंग हुई थी कानपुर में, ओल्ड एज वेल एज यंग रेवोल्यूशनरी सबने पार्टिसिपेट किया था. उन्होंने मिलकर बनाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और यू कैन से हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज़ है. ठीक है, अब डायरेक्टली चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम इस टॉपिक को. दे कैरिड आउट अ डकैती ऑन द काकोरी ट्रेन. अब ये एक ट्रेन है जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी रेलवे लाइन पे. तो 9 अगस्त 1925 को जितने भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो रेवोल्यूशनरी थे सबने ने कुछ ने मिलकर डकैती की इस ट्रेन पे. मैनी वर अरेस्टेड. अब बहुत सारे लोगों ने ये काम किया. अब डकैती करना उस टाइम पे कोई इजी काम तो नहीं था, इवन आज भी नहीं है. बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी तो बहुत सारे लोग इसमें अरेस्ट भी किए गए. बट चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भाग गए, वो सफल हुए वहाँ से भागने में. ठीक है, बाद में कुछ ऐसा हुआ था कि ये महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई थी, फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है, अगर आपने कुछ किया है तो उसको एक्सेप्ट करो, अब खुद को सबमिट करो गवर्नमेंट के आगे. फिर इन्होंने बाद में सबमिट किया था, जेल में सज़ा भुगती और उसके बाद फ्री हुए, ऐसा कहानी है. बट वो यहाँ अप्लाई नहीं होती, वो मैंने आपको ऐसे बता दी. नाउ चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भागने में सफल हुए. ये हो गया हमारा एक स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि 1928, हमने क्या पढ़ा, 1924 में रेवोल्यूशनरीज की मीटिंग हुई थी, राइट. 1928 में फिर से रेवोल्यूशनरीज की मीटिंग हुई, कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला न्यू दिल्ली में. 1928 में न्यू दिल्ली में, 1924 में कानपुर यूपी में. अब यहाँ पे क्या बना, पहले क्या बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और यू कैन से हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन. अब बनी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, वॉज बॉर्न अंडर चंद्रशेखर आज़ाद. तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का ही दिमाग था, उन्होंने ही ये नई एसोसिएशन बनाई थी. ठीक है, अब 1924 का कंसेप्ट हो गया ख़त्म, 1928 का कंसेप्ट भी हो गया ख़त्म. अब हम पहुँच गए हैं 17 दिसंबर 1928 में. अब ये अलग इंसिडेंस है, हम पढ़ क्या रहे हैं कि अलग अलग गतिविधियाँ हुई, वो सारे हम अंडर वन टॉपिक, अंडर 3 or 4 pages वो पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो 17 दिसंबर 1928 में क्या हुआ था, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु, नाम बिल्कुल रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु ने क्या किया, शॉट डेड जॉन सॉन्डर्स. जो जॉन सॉन्डर्स थे उनको गोली मार दी, जो कि कौन थे, असिस्टेंट SP ऑफ लाहौर. बट इट वॉज ऑल्सो अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलती से किसी और को कुछ और समझ के गोली मार दी. दे वॉन्टेड टू किल जेम्स स्कॉट SP ऑफ लाहौर. अब ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, वो मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट को जो कि SP थे लाहौर को, बट उन्होंने गलती से मार दिया जॉन सॉन्डर्स को जो कि असिस्टेंट SP थे लाहौर के. अब वो जेम्स स्कॉट को क्यों मारना चाहते थे, बात ये भी तो आती है. ही ऑर्डर्ड लाठी चार्ज ऑन लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज इन्होंने करवाया था, तो उसका बदला भगत सिंह और शिवराम राजगुरु लेना चाहते थे जेम्स स्कॉट से. ठीक है, अब 1928 की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई. तो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है, आपको ना ये कुछ ट्रिक्स बना के नाम याद करने होंगे. ठीक है, ट्रिक्स नहीं तो वैसे ही जो भी आपको सही लगता है, बट आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, हम पहुँच गए 1929 में. अब देखिए अगर आप चाहें ना कि आपको लगता है कि ये डेटा कम है, मुझे और पढ़ना है, तो क्वेश्चन इससे बाहर से कभी भी नहीं आएगा. अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आना है तो इसमें से ही आएगा. बट आप और क्लैरिटी चाहते हैं, आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं इस पर, तो आप थोड़ा सा और सर्च कर सकते हैं कि भगत सिंह शिवराम राजगुरु ने जेम्स स्कॉट को मारना था, क्या हुआ, पूरी स्टोरी आपके पास आ जाएगी, आराम से आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं 1929 8 अप्रैल पे. अब आपसे एक बार फिर से कहूँगी कि वीडियो पसंद आ रही हो ज़रूर लाइक करें. ठीक है, और आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. फाइन, 8 अप्रैल 1929 की हम बात कर रहे हैं. अब इस टाइम पे क्या हुआ, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने मिलकर क्या किया, थ्रियो बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में इन्होंने क्या किया, बॉम्ब फेंका. लेकिन वो बॉम्ब फेंकने का रीज़न किसी को मारना नहीं था, ये जस्ट थोड़ा सा दहशत टाइप फैलाना चाहते थे. बट इंडियंस कितनी ही दहशत फैलाएंगे वो हम आगे देखते हैं. थोड़ा सा लोगों को बताना चाहते थे कि हम अवेयर हैं चीज़ों से, जो आप हमारे साथ कर रहे हो उससे हम अवेयर हैं. ठीक है, तो हम थोड़ा सा अपना होता ना कि विद्रोह दिखाना, अपना गुस्सा दिखाना, अपना एंगर जो एक्सप्लोड होता है, वो चीज़ यहाँ पे हो रही थी. तो 1929 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, बॉम्ब फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में.
बट इट वॉज नॉट डिज़ाइन टू किल, लोगों को मारने के लिए ये नहीं था, ये सिर्फ धुआं फैलाने के लिए था। स्मोक हॉल, पूरा का पूरे हॉल में धुआं भर गया था। बोथ कुड हैव एस्केप्ड। इस टाइम पे दोनों चाहते तो भाग सकते थे क्योंकि उन्होंने दरवाजे के पास से फेंका, तो उनके लिए ईजी था फेंकना वहाँ से भागना, लेकिन वो भागे नहीं, ठीक है। बट स्टेड एंड शाउटेड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद के नारे उन्होंने वहाँ पे अंदर रुक के स्टे करके लगाने शुरू किए। एंड ये स्लोगन जो है दिया गया था बाय हसरत मोहानी, बाद में फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो देखिए कितने सारे इवेंट्स हमने यहाँ पे पढ़े। हमने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ा, हमने अलीपुर केस पढ़ा, हमने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, इतना सब कुछ पढ़ा, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि होगा क्या ना, आपको अलग अलग जगह पर ये मिलेगा नहीं, या फिर मिलेगा भी तो आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, आपको खुद से अरेंज करने पड़ेंगे। वो अरेंजमेंट ना, वो बहुत टाइम जाता है उसमें। तो आप बस इतना करें, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। बहुत जल्दी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट भी होने वाला है, ठीक है। एक बार कंप्लीट हो गया, आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हो गए, दैट्स इट। नोट्स रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, कोई टॉपिक लगता है कम पढ़ाया उस पर ज़्यादा स्टडी कर ली, दैट्स इट। और कुछ अपना दिमाग लाना नहीं है, बस अपना फोकस रखना है पढ़ाई पे, रिवीजन पे। रिवीजन इज़ द की, राइट। बोलते ना कि रिवीजन बहुत बहुत ज़रूरी है, तो वही चीज़ है, ठीक है। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने एक और पेज पढ़ना है जहाँ पे कुछ और चीज़ें पढ़नी है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाएं और नोट्स वीडियो के साथ में बनाते रहें। नेक्स्ट आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, कौन कौन इसमें शामिल थे? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ये तीनों जो थे हैंग्ड एट लाहौर जेल, जो लाहौर की जेल थी वहाँ पर इनको फांसी दी गई, इन तीनों को। एंड देयर बॉडीज वर क्रीमेटेड एट हुसैन वाला नियर फिरोजपुर पंजाब, यहाँ पे इनकी बॉडीज जो है वो क्रीमेट की गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है, चार ऑप्शंस होंगे, किससे रिलेटेड नहीं है, वैसा कुछ होगा तो आपको देखना है, ठीक है। 1929 पे हम पहुंच गए। जतिन दास, अब ये इतना सा ही कंसेप्ट है इनका कि 1929 जतिन दास, इतना याद रखना है, बाकी रीज़न क्या था वो याद रखना है। सो 1929 में जतिन दास डाइड इन लाहौर जेल आफ्टर 63 डेज फास्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हॉरिबल कंडीशंस इन जेल। क्या है, ये जेल में कैदी थे, ठीक है, और वहाँ पे कंडीशंस बहुत ख़राब थी, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई इनकी सुनता नहीं था, तो उन्होंने मतलब कहा कि आजीवन मुझे कुछ खाना नहीं है, ठीक है, मैं वैसे ही रहूँगा। तो 63 दिन बिना कुछ खाए फिर इनकी डेथ हो गई थी, तो वो भी बहुत बड़ा इवेंट था कि इतनी बुरी कंडीशंस हैं जेल में, उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया और बाद में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब आता है मीरत कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ लिया, अलीपुर केस पढ़ लिया, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ लिया, अब मीरत कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ते हैं। ये हुआ था 1929 में, इट स्टार्टेड इन 1929, कॉन्ट्रोवर्सियल कोर्ट केस था, एक चार साल तक चला, फिर इसका डिसीजन आया 1933 में, ठीक है। एंड मुजफ्फर अहमद रिसीव्ड ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ठीक है, मुजफ्फर अहमद का नाम इनसे जुड़ा है। बस इतने इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं आप नो डाउट, बट उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने डेप्थ में क्वेश्चंस आएंगे नहीं, है ना। हमें क्या करना है, हमें कोई मास्टरी थोड़ी हासिल करनी है मॉडर्न हिस्ट्री में, हमें हिस्टोरियन थोड़ी बनना है, हमें तो जस्ट एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्योंकि जब आप एक बार फील्ड में जाओगे ना, तो ये चीज़ें आपकी इंप्लीमेंट नहीं होंगी, ये बिल्कुल आपकी एक बेसिक्स बन के रह जाएंगे कि हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग है कि इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ, बस ये और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सूर्य सेन। सूर्य सेन कौन थे? अ रेवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल, बंगाल के रेवोल्यूशनरी थे। ही फॉर्म्ड द इंडियन रिपब्लिक आर्मी इन बंगाल, इंडियन रिपब्लिक आर्मी बंगाल में बनाई, बट ही वॉज हैंग्ड इन 1934, 1934 में इन्हें फांसी हो गई थी। अब हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर। 1931 में क्या हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद शॉट हिमसेल्फ एट एल्फ्रेड पार्क इन अलाहाबाद। अलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में खुद को इन्होंने गोली मार ली थी, मतलब आत्महत्या, सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो बस देखिए, छोटा सा टॉपिक था हमारा, ऐसे बहुत लेंथी वीडियो नहीं थी, ठीक है, नाम थोड़ा भारी भरकम है इस टॉपिक का, बट इतना लेंथी नहीं था ये टॉपिक। तो अगर आपने एक बार नोट्स बना लिए हैं, फर्स्ट डे आपको 15-20 मिनट लगेंगे पढ़ने में, फिर धीरे धीरे जो है टाइम कम चलता जाएगा, और रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होगी। हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें लर्न होने में टाइम लगती हैं, ऐसा नहीं आज ही सब कुछ पढ़ लेना है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कुछ संस्थाएँ, कुछ एसोसिएशंस बनाई थी क्रांतिकारियों ने
इंडिया में और इंडिया के बाहर, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप टेबल यहाँ पे देख सकती हैं। फर्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे आउटसाइड इंडिया जो भी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थी। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर ही जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी। अब इसको हम एक टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, इस तरह से पूरी स्टोरी टाइप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, देन ईयर, कौन से साल में बनी, किसने बनाई, फाउंडर, और कौन सी जगह में बनी। आउटसाइड इंडिया तो कहीं भी हो सकता है, इतनी बड़ी दुनिया है, तो कहाँ पे बनी उस प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत लेंथी वीडियो नहीं होगा, काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल प्रूव होंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और कुछ टॉपिक्स जैसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो गया, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ये आपको सिंक्रोनाइज वे में एक जगह पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो तो थ्योरी वाले या कंसेप्चुअल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो बहुत ट्रिकी होते हैं, बट इनमें मार्क्स लेना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो आउटसाइड इंडिया हम पहले पढ़ रहे हैं, मतलब वो सारी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया के बाहर बनी थी। फर्स्ट आता है इंडिया हाउस, कब बना, 1905 में। अब देखिए ट्रिक आपको खुद से बनानी पड़ेगी कि याद कैसे करें, प्लस ट्रिक बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाती हैं। जब आप 5-10 बार रिविजन कर लेंगे ना, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। इंडिया हाउस 1905 में बना, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाया लंदन में। 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आता है अभिनव भारत, 1906 में वीडी सावरकर ने लंदन में। 1906 में और क्या चीज़ हुई थी, अगर हम ऐसे रिलेट करके पढ़ें, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई थी, राइट। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी 1907 में, तारकनाथ दास इसके फाउंडर थे, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये बनी। 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दो गुटों में बंट गया था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। गदर पार्टी 1913 में बनी, गदर पार्टी फाउंडर थे लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भाकना। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इनके हेडक्वार्टर्स थे, वहाँ पे ये बनी थी। फिर आता है IIL। अब ये IIL क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है ये, ठीक है। एक बनी थी यूएसए में, एक बनी थी बर्लिन में, और एक बनी थी टोक्यो में। तो आपको क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो कि 1914 में बनी थी, ये बर्लिन में बनी थी। इसके फाउंडर थे लाला हरदयाल, बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है 1915 में बनी थी, राजा महेंद्र प्रताप इसके फाउंडर थे, और ये काबुल में बनी थी, ठीक है। 1915 काबुल, फाउंडर भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा फिर से आ गया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो एक हमने लंदन वाली पढ़ी थी, है ना, सॉरी एक हमने यूएसए वाली पढ़ी, एक हमने यहाँ पे बर्लिन वाली पढ़ी, और अब हम टोक्यो वाले पढ़ेंगे। सो 1942 में बनी, रास बिहारी बोस फाउंडर थे, टोक्यो में बनी थी। लास्ट आता है इंडियन नेशनल आर्मी, 1942 में बनी, रास बिहारी बोस, लेटर रीऑर्गेनाइज बाय सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर। तो ये जो है अपने आप में एक टॉपिक है, इसके बटालियंस वगैरह, वुमेन फोर्स, वो सब कुछ मैंने आपको अलग से टॉपिक में पढ़ाया है, जो मेरी नेशनल मूवमेंट की प्लेलिस्ट है हैंड रिटन नोट्स की, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी INA के बारे में मैंने एक छोटा सा टॉपिक है अलग से वो पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा हमने देख लिया, 1942 में बनी है, टोक्यो में बनी, रास बिहारी बोस फाउंडर थे, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने पूरी बागडोर संभाली इसकी सिंगापुर में, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। थोड़ा सा था पढ़ने के लिए, बट लिखने के लिए मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट एक बार आपने लिख लिया, बार बार रिवाइज कर लिया, तो आपके टिप्स पे हो जाएगा कि सबसे पहले मैंने इंडिया हाउस पढ़ा है, फिर अभिनव भारत पढ़ा है, फिर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग पढ़ा है। जब बार बार रिवाइज करते हैं, जब आप एक बार गवर्नमेंट एग्जाम का आपने सोचा है, तो आपको रिविजन भी करना होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम निकल जाए। बहुत लकी लोग होते हैं वो जिनका एग्जाम निकलता है, तो वैसे 2-3 अटैम्प्ट जाते हैं आपके, 2-3 साल भी लगते हैं, 4-5 साल भी लगते हैं, है ना। तो बस प्रिपरेशन पे फोकस करें, नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स में हमेशा कहती हूँ जो मोटी, जैसे एंशियंट मेडिवल आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, बट आजकल क्या है ना, एंशियंट मेडिवल का ट्रेंड आ गया। वैसे पहले क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अब क्या है, एंशियंट और मेडिवल से वो क्वेश्चंस उठाते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मॉडर्न में पढ़ने के लिए है ही नहीं, राइट। चलिए जो भी है, हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। आप चाहें मुझे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसी के साथ सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। हमें पढ़ना है इन इंडिया, इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी उनके बारे में। तो यहाँ भी टेबल फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, बस आप नोट्स बनाएं, बार बार नोट्स को रिवाइज करें, 3-3 का टारगेट रखें कि आज मुझे 3 ही पढ़ने हैं, 3 ही लर्न करने हैं, ठीक है, हो जाएगा। सो फर्स्ट आता है मित्र मेला, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मित्र मेला, 1899 में बना, सावरकर ब्रदर्स के द्वारा पूना में बनाया गया,
ठीक है। फिर आती है अनुशीलन समिति, तो फर्स्ट वाली 1902 में बनी थी, प्रमथनाथ मित्रा ने कलकत्ता में बनाई थी। अभिनव भारत, ये बहुत आता है, अभिनव भारत हो गया, मित्र मेला हो गया, 1904 में अभिनव भारत वी डी सावरकर के द्वारा पूना महाराष्ट्र में बनाया गया था। ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएँ हैं, ठीक है। स्वदेश बंधव समिति, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ये भी, बेशक आप ये इनका एक स्टार लगा लें। 1905 अश्विनी कुमार दत्ता बरिसाल में बनाया गया था। अनुशीलन समिति 2 1905 में पुलिन बिहारी दास के द्वारा ढाका में बनाया गया था। ढाका किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश। कौन से कॉन्टिनेंट में है बांग्लादेश? एशिया में है, हमारा इंडिया का नेबर है। पहले ईस्टर्न बंगाल था, है ना, पाकिस्तान के अंडर था, फिर बाद में लिबरेशन वॉर हुई 1971 में, फिर अलग हुआ, राइट। नेक्स्ट आता है भारत माता सोसाइटी, 1907 में बनी थी जबकि सूरत स्प्लिट हुआ था, अजीत सिंह एंड अंबा प्रसाद के द्वारा पंजाब में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि 1924 में जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, चाहे ओल्ड चाहे यंग, उनकी मीटिंग हुई थी कानपुर यूपी में। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1928 में दूसरी हुई थी फिरोजशाह कोटला दिल्ली में। तो बस उन्हीं मीटिंग्स में, जो फर्स्ट मीटिंग थी, वहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इसमें बहुत सारे थे बट हम एक दो का नाम पढ़ेंगे, सचिंद्रनाथ सन्याल, जे सी चटर्जी एंड मैनी मोर कानपुर में। मतलब इसमें यंग रेवोल्यूशनरीज जो थे वो आए, जो ओल्ड रेवोल्यूशनरीज थे वो आए, उन सबके फिर डिस्कशन के बाद ये बना था, ठीक है। फिर आता है नौजवान सभा 1926 भगत सिंह लाहौर में बना था। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली में बनाया गया था। अब देखिए काफ़ी शॉर्ट है, इसमें ऐसा बहुत टाइम तो नहीं लगा वीडियो में, आई डोंट थिंक 10 मिनट भी लगे होंगे, है ना, छोटा सा वीडियो है। बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाए, हर बार मैं यही कहती हूँ आप लोगों को, मैं जस्ट एनकरेज करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं ऐसे हल्के फुल्के जो भी लगता है नोट्स बनाएं, क्योंकि एट द एंड जब लास्ट टाइम होगा, पेपर आने वाला होगा, तब आपके बुक्स काम नहीं आएंगी, मोटी मोटी स्पेक्ट्रम और पॉलिटी काम नहीं आएगी लक्ष्मीकांत, आपके हल्के फुल्के नोट्स काम आएंगे, क्योंकि आपको रिविजन करना है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है थोड़े से टाइम में, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पढ़ लिया, हमने रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे INC सेशंस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस थे। इसमें आता है ना कि पहला सेशन विलेज में कब हुआ, पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट कब बनी, महात्मा गांधी कब प्रेसिडेंट बने, जवाहरलाल नेहरू कितने बार प्रेसिडेंट बने, तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, INC के पहले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसी ऐसी चीज़ें, जनगण मन कब गाया गया, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा पॉज लें, रेस्ट करें, राइट। सो बस मेहनत करते रहें एंड सी यू सून।